अपर समाहर्ता हजारीबाग के पत्रांक संख्या 2747 दिनांक 22 दिसंबर 2021 एवं पत्रांक संख्या 6213 दिनांक 5 दिसंबर 2022 एवं अंचलाधिकारी बड़का गांव के पत्र हस्तांतरण तिथि 25 जनवरी 2023 के आलोक में आपत्ति दर्ज कराने के लिए ग्राम गोंदलपुरा गाली और बलोदर के सैकड़ों महिला पुरुष अंचल कार्यालय बड़का गांव पहुंचकर अंचलाधिकारी अमित किस्कू को 3 अलग अलग आवेदन तीनों गांव के लोगों ने दिया। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा अडानी कंपनी वापस जाओ, जल जंगल जमीन हमारा है आदि नारेबाजी की गई। आवेदन के माध्यम से अंचलाधिकारी को बताया गया कि ग्राम गोंदलपुरा के थाना नंबर 142 खाता नंबर 81 में वर्णित विभिन्न प्लॉटों का कुल रकबा 54.190 एकड़, ग्राम गाली का थाना नंबर 144 खाता नंबर 36 में कुल प्लॉट संख्या 33 का कुल रकबा 21.500 एकड़ एवं ग्राम बलोदर थाना नंबर 145 खाता नंबर 27 में कुल प्लॉट संख्या 11 का 50.25 एकड़ भूमि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कोंदलपुरा कोल परियोजना हेतु हस्तांतरित करने के लिए ग्राम सभा प्रस्तावित है। वर्तमान समय में इस पत्र में वर्णित सभी भूमि पर या तो किसी व्यक्ति का जोत आबाद है या अन्य पर सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि निर्धारित है। आश्चर्य तो अब इस पत्र में नदी पोखर और नाला की भूमि को भी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को हस्तांतरित करने की बात की गई है। ग्राम गाली और बलोदर बनवासी आदिवासी और हरिजन बाहुल क्षेत्र है। आपत्तिजनक स्थिति यह है कि आम इश्तेहार जिसका पत्रांक संख्या 2747 दिनांक 22 दिसंबर 2021 को निर्गत की जाती है, परंतु इस पत्र को 13 माह के बाद अंचलाधिकारी हस्तांतरित तिथि 25 जनवरी 2023 द्वारा दी जाती है। इस पूरे कृत से ये दृष्टिगत होता है कि अपने आप को जनता का सेवक कहने वाला प्रशासनिक महकमा एक पूंजीपति के आगे नतमस्तक है। इसलिए हम ग्रामीण इस निर्णय पर अडिग हैं कि अपनी जीविका के इस प्रमुख साधन को किसी एक पूंजीपति के अमीरी का ग्रास नहीं बनने देंगे। आवेदन में ग्राम गोंदलपुरा के कुल 504, ग्राम गाली के 103 एवं ग्राम बलोदर के 184 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इस दौरान अंचलाधिकारी अमित किस्कू ने लोगों को समझाते हुए कहा कि जो मांग आपने अंचल कार्यालय में आकर रख रहे हैं वही मांग आप ग्राम सभा में रखें। जैसे कोई भी चीज आप आते हैं आवेदन देते हैं कि नहीं? हाँ, देते हैं। कोई आपको एलपीसी चाहिए तो बोले मेरा जमीन है, हमको एलपीसी क्यों चाहिए, हमको हम खुद ही साइन कर लेंगे। प्रक्रिया होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह ग्राम सभा भी एक मंच है, उस मंच पे आप लोग आइए और जो आपको बोलना है कि नहीं देना है वही चीज वहीं पे लिख के दीजिए कि नहीं देना है। वही बात तो ग्राम सभा में बोलिए। ग्राम सभा एक प्लेटफॉर्म है, एक ये है मंच है जहाँ से जो होता है प्रक्रिया के तहत होता है ना। हसलिया जमीन है हम इनके, लेकिन वो हम इन छोड़ के जब हम इन कोड़ कोड़ के यथी कोड़ कोड़ के जियो खा ही है भूया कोड़ कोड़ के यथी गढ़ा कोड़ कोड़ के तो हम इन कहाँ जब वो देता है छपा रुपया और वो चल जीते तो रुपया इनके कई छपा रहा रहते के छपा का का। तू खेती करो यहीं से बताओ। खेती हम करो ये राहर करो ये उरीद करो ये केतारी करो ये यार सब फैसला हो हमरा जंगल से पते तोड़ के आनो है ओकर नथारी बना के खाइए लकड़ी झोंक के आनो है ओकर से खाइए उस सब से आरू रुपया देते तो हम इनके कई छपा रहते रुपया हम इनके एक ये करोड़ रुपया देते तो टोन मान हमार कते होते एको कट्ठा होते जमीन। आज आप लोग अडानी और एनटीपीसी के विरुद्ध जो ग्राम सभा होने के लिए जो सीओ के कार्यालय में ज्ञापन दिए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बार बार ही आम सभा लोक सुनवाई का चिट्ठी ना निकाले। इससे आप लोगों की ठेस पहुंचती है ना? जी हम लोग को, क्योंकि हम लोग का जमीन है बहुत फसलिए है, यहाँ हम लोग 12 मास खेती करते हैं और अपना खेती से ही हम लोग जीवन यापन करते हैं, इसलिए हम लोग जमीन नहीं देना चाहते। चाहे अडानी हो, एनटीपीसी हो, अंबानी हो, कोई भी कंपनी को हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देने के लिए चाहते हैं। तो हम लोग पूरा गांव में संकल्प ले चुके हैं बैठक करके कि हम लोग जान देंगे मगर जमीन नहीं। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है यशोदा देवी और वार्ड नंबर 7 से मैं वार्ड सदस्य हूँ। 43 दिनांक 22/12/2021 एवं पत्रांक 62/13 दिनांक
15/5/2022 को सात अंचला अधिकारी बड़का गांव के पत्रांग हस्तारित तिथि 25/1/2023 को आपत्ति संबंधित में महाशय उपायुक्त पत्र में के माध्यम से यह सूचित सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम गोंदलपुरा थाना नंबर 142 खाता नंबर 81 में वर्णित विभिन्न प्लॉटों को कुल रकबा 54,190 एकड़ है, जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड गोंदलपुरा कोयला खदान परियोजना हेतु हस्तांतरित की जानी है। वर्तमान इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं अंचल में। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।